बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष अंजना धीमान ने पत्रकार वार्ता कर 62 सदस्यीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेसी नेताओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष कुलदीप राठौर के निर्देश अनुसार बिलासपुर जिले की कार्यकारिणी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी को जो भी चुनावों की जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी समझे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी के दिशा निर्देशानुसार आज कार्यकारिणी का हमने गठन किया और यहाँ पे नई कार्यकारिणी जो है हमने बना दी है। मैं सभी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जो हैं, जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे और हमारे सभी लोगों को काम करना होगा और हमारे ऊपर से भी ये सख्त निर्देश हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं अपनी अपनी ड्यूटियां जो हैं वहां पे सौंपे और हमारा एक ही ध्येय हो रहेगा कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें हम जो है कांग्रेस की ही सरकार को जो है सत्ता में लाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी भी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी मेहनत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जितने भी हमने पदाधिकारी बनाए, हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं हम इनको बूथ स्तर पे लेके जाएंगे और इन बूथ स्तर पे इनकी नाकामियों को उजागर करेंगे और कांग्रेस की सरकार को जो है सत्ता में लाएंगे।